क्यों चुना? नमस्कार, मेरा नाम श्रुति शर्मा है। मैं अभी शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मेरा विषय न्याय दर्शन है। संस्कृत क्यों चुना आपने? बहुत सारी भाषाएं हैं, संस्कृत ही क्यों चुना? मैंने बहुत लोगों से सुना था कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, तो इसीलिए मैं संस्कृत जानना चाहती थी कि किस प्रकार से संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए मैं संस्कृत चुना। यहाँ पर आप संस्कृत सीख रही हैं, कैसा यहाँ पर कैसा एजुकेशन, कैसा कैसा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? यहाँ पर संस्कृत में ही संस्कृत मीडियम में एग्जाम होते हैं और संस्कृत मीडियम में ही हमें पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा चलता है। कौन सा विभाग है आपका? कौन सा? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में संस्कृत से संबंधित कुछ ऐसी बात होता है जो बड़ा कॉमन हो लेकिन कम सुने हैं आप? न्याय दर्शन में परमाणु के बारे में बताया जाता है और न्याय दर्शन में जो वाद विवाद के तरीके बताए गए हैं, न्याय दर्शन में डिबेट के मेथड्स, उनके बारे में न्याय दर्शन में बताए गए हैं। पहला सूत्र मम नाम अस्ति। अहम शास्त्री द्वितीय वर्षे अद्वैत वेदांत विभागे पठामि। क्या किस कोर्स में आपने बताया? मुझे ये बताइए कि यहाँ पर संस्कृत आपने चुना, संस्कृत का क्या भविष्य देख के चुना आपने संस्कृत? मैंने संस्कृत इसीलिए चुना क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और संस्कृत भाषा को ही विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की जननी माना जाता है और संस्कृत में जो वैज्ञानिकता छुपी है उसको जानने के लिए और जो संस्कृत में जीवन के जो मूल उद्देश्य हैं, जीवन के जो आचरण हैं जिनको अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, वह सभी ज्ञान संस्कृत में छुपा हुआ है, उसी को जानने के लिए मैंने संस्कृत से सुना। अब आप मुझे बताइए जब आप स्नातक करके निकलेंगे, आचार्य बनकर निकलेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे संस्कृत पढ़ने के बाद? संस्कृत पढ़ने के बाद हम जो ये संस्कृत भाषा है उसका प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में करेंगे और अन्य संपूर्ण देश में भी संस्कृत का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जो हिंदी बताइए? जी, मेरा नाम मनदीप रावत है और मैं यहाँ पर शास्त्री द्वितीय वर्ष में अद्वैत वेदांत विभाग में अध्ययनरत हूँ। नाम बताइए, किस विभाग में हैं आप और जिस विभाग में हैं उससे संबंधित कुछ हमें बताइए, कोई श्लोक कोई भी जो बहुत प्रचलित हो उसका। नमो नमः, मम नाम दिगंबरः। अहम् अस्मिन् परिसरे वेद शास्त्री द्वितीय वर्षे वेद विभागस्य छात्रोऽस्मि। वेदाः चत्वारो वेदाः सन्ति। अहम् यजुर्वेदं पठामि। शुक्लयजुर्वेदे शाखा द्वय वर्तते, शुक्लयजुर्वेद कृष्णयजुर्वेद। शुक्लयजुर्वेदे अहं मन्त्रं श्रावयामि इदानीं। हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम अहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। छात्रावास व्यवस्था सम्यक् चलति? सम्यक् अस्ति। कापि यदि असुविधा भवति तर्हि नूनं सूचनीया। भोजनादि व्यवस्था तु सम्यक् चलति? तत्र अस्माभिः एका दिनचर्या निर्धारिता, तदनुसारितया आचरणं क्रियते अस्माभिः। छात्रावासे अनुशासनम् आवश्यकम् अस्ति, अध्ययनस्य परिवेशः आवश्यकोऽस्ति, यतोहि यदा तत्र शान्तिमयं वातावरणं भविष्यति, सर्वे भवन्तः एकाग्रचेतसा पठनं करिष्यन्ति, तदा एव सम्यक् अस्माकं शास्त्राणां सुरक्षा भवितुम् अर्हति। एतत् सर्वं भवन्तः ध्यानगतं कुर्वन्ति। तत्र अस्माभिः प्रातः सायं किमपि दृश्यार्थम् आयोजनं कृतं, किमपि प्रवचनार्थम् अतिरिक्तम् अध्यापयितुं,
यदा वयं नवीनं भवनं प्राप्स्यामः तदा अध्ययनस्य क्रीडायाः अन्यासां गतिविधीनां कृते विशिष्टा सुविधा भविष्यति। तदानीम् अस्माकं परिसरस्य प्रगतिः विशेषेण भविष्यति। भवन्तः उत्साहपूर्वकं सज्जां कुर्वन्तु। परीक्षापि बहुदूरे नास्ति, निकटे अस्ति। अग्रिमे मासे युष्माकं परीक्षा अस्ति।